الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على أفضلهم وخاتمهم محمد الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال सैद न आब रजील से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज में तशाहुद से फार हो तो अल्लाह ताला से चार चीजों की पनाह मांगे जहनम के अजाब से कब्र के अजाब से जिंदगी और मौत के फितने से और मसीह जाल के शर्फ से इतनी अहम चीज है नहीं। हर नमाज में नबी ये तालीम फरमाया ये दुआ मांगनी चाहिए मुख्तसर सी दुआ है आउन फित जाल आप इसको पहले पढ़ सकते हैं बाजी रिवायात में पहले भी है और यहाँ पे आखिर में है तो आप इसको पहले भी पढ़ सकते हैं मिन फितनतिल मसीह दजाल व मिन फितनतिल महया वल ममत और एक रिवायत में अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मातमी वल मगरम ये भी अल्फाज हैं यानी कर्ज से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी पनाह मांगने की अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ के बाद ही, के बाद पाक और दूरद पाक के बाद जो हम दुआएं मांगते हैं उनमें से एक ये दुआ है एक दूसरी दुआ है कौन सी और जालनी मुकीम ये भी मांगी जा सकती है ये सैदा इब्राहिम की दुआ है, है। इसलिए इसको इसलिए तालीम फरमाया हमारे बुजुर्गों ने यह रिवायत में हदीस में नहीं है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तालीम नहीं फरमाया बल्कि हमारे बुजुर्गों ने इसको इसलिए अडॉप्ट किया कि इसमें नमाज की क़ायम करने की दुआ है अल्लाह ताला से गुजारिश की गई है और अपने लिए भी और अपनी ज़रूरत के लिए भी तो इस लिहाज से अहम थी तो उन्होंने फिर इसको नमाज के नमाज वाली दुआ कोई भी मांग सकते हैं इसलिए हाँ बिल्कुल ये भी पढ़ सकते हैं आतीना फिर दुनिया हसना ये भी पढ़ सकते हैं कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं नबी अलैहि वसल्लम ने एक तो ये दुआ तालीम फरमाई और एक दूसरी दुआ जो है

बल्कि उससे पहले से उससे पहले से मुंतजर थे सईद आईसी की बेहसत से उनकी आमद से पहले से मुंतजर थे लेकिन उनको नहीं माना इनकार किया हालांकि उनकी पेद जाती थी लेकिन ये अकल परस्त हैं ज्यादा साइंसी लोग हैं ना साइंसदान हैं आज भी बड़े साइंसदान हैं तो ये साइंस पे ज्यादा इनका बिलीव है तो इन्होंने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि ये ये कैसे हो सकता है कि बगैर बाप की बेटा ये कैसे आज कोई कहे तो मानेंगे हम साइंस मान लेगी इस बात को आज की साइंस क्यों जी मुझे नहीं पता कि साइंस का मौका क्या है इस मामले में लेकिन बजहर तो यही लगता है कि नहीं मानेगी तो वो भी जो कि साइंसदान से था उन्होंने नहीं माना अच्छा इनके साथ इनके जो मुमिद मावन है वो अकेला कुछ नहीं अकेला तो शैतान भी कुछ नहीं उसकी भी टीम है ना उसके भी लाओ लश्कर है और सिर्फ जिनों में से नहीं है, में से भी है। जो बक़ायदा जिनका उस, उनके उसके साथ आप कह लें अलाइंस है तो जो दज्जाल है और यहूदी हैं, इनके लिए एक और जमात एक और ग्रुप है जो इनके साथी हैं, अलाई हैं। और इनके आप कह रहे हैं कि मुमीज और मददगार हैं इनके सपोर्टर हैं। वो कौन से हैं? पुराने हकीम में जिक्र है में याजूज व माजूज का हुआ ये कि यहूद ने सवाल किए नबी मक्का में हैं और अभी नबूवत का चौथा पांचवा साल है इब्तदाई दौर है वहां पे खबर तो पहुंची मदीना में तो इन्होंने टेस्ट करने के लिए तीन सवाल मदीना से कुरैश की वसादत से पूछे तो कुरैश नहीं कुरैश में से किसी ने उनमें से एक ये था कि रूह क्या है इंसान की रूह इसकी हकीकत क्या है और दूसरा था कि जिसने दो सफर किए हैं मशरक और मगरब का ग्रेट ट्रेवलर उसके हालात क्या है और तीसरा सेवन स्लीपर्स जो हैं सात सोने वाले असहा उनकी क्या हकीकत है तो तीन सवाल इन्होंने भेज दिए उसमें से दो सवालों का जवाब तो काफ़ में दिया गया और आप जानते हैं काफ़ भी दज्जाल के साथ खास है। सवाल इतना था कि जिसने मशरक और मगरब का सफर किया उसके हालात क्या है अब जाहिर है उसकी पूरी बायोग्राफी तो नहीं जानना चाहिए ना सवाल क्या था कि मशरक की तरफ क्या था और मगरब की तरफ क्या था क्या हुआ इजमाल के साथ इकतेसार के साथ और कुरान तो आपको पता है बयान ही इकतार के साथ हकीम ने उसके दो सफरों को बयान कर दिया पहले मशर का सफर किया और एक ऐसे कौम पे पहुंचा जिसपे कोई आड़ नहीं थी यानी ब्राह रास्त सूरज की गिरने पड़ती आठ से मुराद ये नहीं की वो घर नहीं बनाते थे ऐसे मैदान में बैठे रहते थे दिन रात आठ से मुराद ये कि सूरज से कोई आड़ नहीं थी बिल्कुल आप जैसे आप कह लें कि निकलता हुआ सूरज उन पे पड़ता है अगर आप यूं समझें कि आप किसी समंदर के मगरबी तरफ है मगरबी वाली साइड पे हैं, तो जब समंदर निकलेगा तो सीधा पड़ेगा सामने कोई आड़ नहीं है अच्छा हकीम ने जरा भी इसमें इजाफा नहीं किया बल्कि फुल स्टॉप लगा दिया का ऐसा ही था दैट्स ऑल इसे आगे कुछ नहीं बताया फिर उसके मगरिब के सफर को जिक्र किया कि उसने मगरिब का कसर किया और वो पहुंचा उसने पाया सूरज को काले पानी के चश्मे में गुरूब होते हुए अच्छा समंदर में जब हम खड़े होते हैं सीवियू पे तो हमें क्या लगता है समंदर कहां गुब हो रहा है पानी में नजर आ रहा होता है ना तो चूंकि उफ हमारे सामने जो है वो पानी है समंदर ही है तो लगता है कि गोया सूरज समंदर में गरूब हो रहा है इसका मतलब यह है कि वो जो चश्मा था वो बड़ा समंदर था यानी इतनी बड़ी वाटर बॉडी के जिसमें सूरज को गरूब होते हुए उन्होंने महसूस किया और कुरान ये कहता कि वो काले पानी का चश्मा था तो आज उसको हम क्या कहते हैं ब्लैक सी आज भी उसको यही कहते हैं ब्लैक सी बात यहां पे मुकम्मल होगी लेकिन कुरान हकीम ने उसके एक तीसरे सफर को जिक्र किया जो सवाल का हिस्सा नहीं था लेकिन आने वाले वक्त में कुरान जब यह दावा करता है कि ये किताब है जो हर चीज को बयान करती है तो को फरमाया ना किताब किताबिया हमने आप पर एक ऐसी किताब नाजिल की है जो हर चीज को बयान करती है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कुरान माजी को बयान करे हाल को बयान करे और मुस्तबिल को बयान ही ना करे आगे क्या होने जा रहा है यानी ये, ये तो माजी था ना एक शख्स था वो उसने मशिब का सफर किया मगरब का किया तो गुजर गया आगे भी तो कुछ होना है ना तो ने उसको भी बयान किया उसने एक तीसरा सफर किया मजे की बात यह कि कुरान हकीम ने उसकी सीमत भी नहीं बताई और मजद मजे की बात यह है कि मुफ्सरीन का इस पर इतफाक है कि वो शुमाल की जानब था कोई दलील नहीं है किसी के पास से इसमें सब मुफसरन का कदीम और जदीद ये इतफाक है कि वो शुमाल की जानी थे वहां पर वो एक ऐसे कौम पे पहुंचा जिसके, जिसकी जुबान समझते थे, थे उन्होंने कहा कि ये साथ हमारे कबीले हैं दो पहाड़ों में याजूज और माजूज वो जमीन में फसाद करते हैं आप हमारे और उनके दरम्यान में दीवार बना दीजिए हम आपको पे कर देते तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता मेरे पास बहुत कुछ है अलग का दिया हुआ अः मुझे मैन पार दें और हम मिलके दीवार बनाते हैं। का नहीं।, ये ऐसे नहीं होता कि एक, एक में उन्होंने कर लिया और एक सेकंडी बहस मुबासा हुआ होगा कि दीवार कैसी होनी चाहिए आमतौर पर दीवारें किस चीज की बनती है मट्टी गारे की पत्थर की और वो अगर पहाड़ी इलाका है तो पत्थर है पत्थर की चिनाई होगी गारे के साथ सीमेंट तो तब था नहीं तो ये दीवार बनाई जानी थी लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि ऐसी दीवार जो है वो तो वो गिरा लेंगे उसमें नकब लगा लेंगे भाई पत्थर हैं आपने रखे हुए और गारे के साथ चुने हुए है ना सीमेंट नहीं है उसमें कोई कंक्रीट नहीं है उसमें कोई आपने रॉड नहीं दिए हुए तो सिंपल चुनाई है पत्थरों की और वो उसको एक साइड से धक्का लगाएंगे और पत्थर निकल जाएगा और वो उन्होंने उस दीवार को प्लान किया कि लोहे की बनाई जाए ताकि ये टूट ना सके और लोहे के ब्लॉक्स लगाए और फिर उसके ऊपर उन्होंने तांबा जो है अब आप देखिए कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी कितना बड़ा वो बादशाह था कितने बड़े बड़े फार्नेस होंगे जिनके थ्रू हीट गन्स होंगी जिनसे उसने उसको रेड हॉट किया पूरी की पूरी दीवार को लोहे को या पार्ट्स किया और फिर तांबा जो है पिघला हुआ वो उसके ऊपर डाला तो वो जो जाइंट थे उसके उसमें वो क्योंकि वो भी रेड हॉट है और तांबा जो है वेल्ट हो गया होगी पूरी की पूरी दीवार ये कौन था असल में ये सवाल ये है कि अब इसमें दो किरदार हैं एक याजूज वा माजूज और दूसरा इन दोनों तल्ल किन से है यहूदियों से बनी इसराइल से इसीलिए कुरान हकीम ने बयान किया सिर्फ जुल्कर नईन को नहीं बल्कि उसके उस सफर का भी जिक्र किया जो याजूज व माजूज पे जाके मुंतज हुआ अच्छा ये हिस्सा है जिसमें उनको लॉक किया गया लेकिन पुराने हकीम मैं दूसरी जगह जिक्र है सूरह अल अंबिया आयत नंबर 95 बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हराम अला क़रियत अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन और उस बस्ती पर हराम है जिसको हमने तबाह कर दिया कि वो वापस लौटे अन्नहुम ला यरजिऊन कि वो वापस नहीं लौट सकते हराम है उनपे नामुमकिन है उनके लिए यहाँ तक के खोल दिए जाए याजूज और माजूज हम विनकुल हद अभी और वो हर बुलंदी से फिसलते हूँ एक मौका है उनको बंद करने का लॉक कर दिया और दूसरा है उनके खुलने का और खुलने का तालुक एक बस्ती के बाशिंदों से है जिनकी वापसी नामुमकिन वो बस्ती कौन सी है पांच सौ छियासी या सतासी कम हो बेश एक दो साल का फर्क जब भी मैं कोई आपको तारीफ बताऊं तो अगर सदियों की बात हो तो एक दो साल आगे पीछे आप उसमें गुंजाइश रख लिया करें मेरे लिए ये पता पता नहीं क्यों मेरा मसला है कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं एक दो साल का फर्क होगा ज्यादा नहीं होगा पांच सौ हाँ यानी पांच छह सौ पौने छ सौ साल में से अगर एक सौ एक दो साल ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा ना हाँ, एक नहीं सदी के साल से भी नहीं बनता थोड़ा बनता है अच्छा यरूशलेम पे हमला किया यहूदी आबाद से और इनकी वहां पे थी यरूशलेम ने हमला किया यरूशलेम पे हमला किया बाबुल के बादशाह ने इराक आज बख्त नसर उसका नाम बनुकट और उसने जो लड़े और जो उसके हाथ आए वो तो मार दिए और जो बच गए उनको अपने साथ बांध के ले गया बाबुल इराक में साथ ही है ना यरूशलेम के साथ पचास साल ये रहे और उसके बाद यही जो बादशाह है साइरस जिसका लकबुलकर है दो सिंगों वाला या दो जमानों वाला इसने बाबुल पे हमला किया और इनको वहां से रिलीज करवाया कुरान के बयान से महसूस होता है कि इतना अजीम शान बादशाह अब फिर एक ये सवाल था कि इतना अजीम शान बाशाह जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी इतनी ताकत थी वो कौन था और हिस्ट्री में उसका होना चाहिए ना जिक्र और फिर जब कुरान ये कहता है कि उसने लोहे की ब्लॉक्स लगाए तो उसका जो एरा है वो भी डिफाइन हो गया आयरन हेज से मुतल है ना जब लोहे का इस्तेमाल आम था या होना शुरू हो गया तब की यह शख्सियत है और लोहे का इस्तेमाल जो है वो छब्बीस सौ सौ साल पहले यानी मैक्सिमम अगर आप कहें तो तीन हजार साल पहले शुरू हुआ तो ये बिल्कुल वही दौर बनता है हजरत ईसा अलैहि सलाम से छह सौ साल पहले कितना बन गया अट्ठाईस सौ साल छब्बीस सौ साल तो उस वक्त ये शुरू हो चुका था लोहे का इस्तेमाल और जुल्कर नईन ने उसको लोहे से बनाया तो ये ईरान का बादशाह था उस वक्त फारिस था और खुदा था मुआहिद था किस नबी के तालीमत भी अमल करता था इसमें मुख्तलिफ आ रहा है एक राय ये है कि जर भी अल्लाह के नबी थे ईरान में लेकिन जैसे हालात के साथ साथ वक्त के साथ साथ तालीमात जो हैं वो बदलती जाती हैं और कौन बदल देती है जैसे क्रैश मक्का दीन इब्राहिम ही पे थे ना नहाज इब्राहिम की नस्ल में से थे और कितना अरसा गुजरा था वही दो हज़ार साल दो हज़ार साल में वो क्या से क्या हो गए तो ऐसे ही हजरत जरतज की जो तलीमत है वो बाद में आग परस्ती बन गई और पता नहीं क्या कुछ उसकी शक्ल बन गई लेकिन एक राय यह है कि वो अल्लाह के नबी से और ये जो साइरस है ये उनका पैरोकार था इसने हमला किया और चूंकि खुद माहिद था और इसलिए हमदर्दी थी इनके साथ कि ये अहली किताब हैं और अल्लाह के पसंदीदा कौम है तो वहां से रिलीज करवाया और यरूशलेम में लाके आबाद किया हैकल इन्हें तामीर करके दिया अपने खर्चे पे ダブル स्किन है वो ले गए थे वो भी उनसे बाजियाब करवा के इन्हें यानी वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया लाके यरूशलेम में दोबारा से ये वो दौर है जब हजरत उजैर अलैहि सलाम गुजरे कहीं बाहर होंगे बनी इसराइल से हैं और कहीं बाहर थे और पीछे से जाहिर सफर होते थे महीनों पे मुश्तमिल होते थे तो जब ये वापस आए तो पीछे से वो हमला हो चुका था और यरूशलम की है जो जो है वो तबाही और बर्बादी हो चुकी थी तो वापस आके ये हैरान हुए और इन्होंने एक सवाल किया सुन बकर में उसका जिक्र है ना और उस शख्स का किस्सा कि जो एक बस्ती से गुजरा जो अपनी छतों के बल पड़ी थी यानी दबाव बर्बाद हो चुकी थी उसने कहा कि कैसे अल्लाह इसको जिंदा करेगा मौत के बाद तो वो वाक्य तो आपको पता है हाँ दो सौ साल के लिए अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी और सौ साल बाद उठाया तो सौ साल बाद वो बस्ती भी दोबारा वैसे ही आबाद हो चुकी थी जैसे पहले थी तो दोनों चीजें साबित हो गई उनका अपना भी और ये तो पहले से ही साबित होता था हमें भी पता है ना कि अल्लाह ताला हमें मार के दोबारा उठा सकता है और दोबारा सारा कुछ कर सकता है असल ताजुब तो ये था कि जो बस्ती तबाह हो चुकी है ये दोबारा कैसे खड़ी होगी अपनी बुनियादों पर तो अल्लाह ताला ने वो भी कर दी दोबारा जो इनका निकालना है 500 साल ये रहे इस दौरान में हजरत ईसा की तशरीफ आवरी हुई इन्होंने इनकार किया और जवाल की इन हतात को पहुंचे रोम इन पे काबज हो चुके थे हजरत सलेमान की सल्तनत जो है उनके बाद वो इनके हाथ से जाती रही करतुतों की वजह से उसको कायम नहीं रख सके अल्लाह त हुकूमत को अपनी सल्तनत को और हजरत ईसा इस्लाम के आने तक ये रोमांस के गुलाम बन चुके थे इखलाकी में भी इंतहा को पहुंचे हुए थे जैसे आज हम पहुंचे हुए हैं और को भी इंतहा को पहुंचे हुए थे जैसे आज हम पहुंचे हुए चलता रहा मामला रोमन इन पे रूल करते थे लेकिन सत्तर ईस्वी में यह हुआ सईद आसा इस्लाम की पेदायश के सत्तर साल बाद रोम में एक इनकलाब आया एक जनरल था उनका टाइटस उसका नाम है उसने तख्ता उलट दिया रोमन एम्पायर का जो एम्पायर था और कब्जा कर लिया एम्पायर पे और फिर उसने इन पे हमला किया वो समझता था जैसे साइकी होती ना हर तो वो जो पहली उनकी बादशाह थे वो तो इनको इनके साथ थोड़ा नरम रवैया था लेकिन उस टाइटस ने इनके साथ सख्त रवैया रखा और योशलम पे बाकायदा हमला कर दिया और इन्हें निकाल दिया योशलम से यरूशलम भी तबाह कर दिया हैकल भी बिल्कुल तबाह कर दिया और इनके घर इनकी मस्जिदें यहां तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल वो भी तबाह कर दिया और इन्हें निकाल दिया वो पहला तो वो साथ लेके गया था ना अब ये साथ नहीं लेके गया इसने इन्हें यरूशलम से निकाल दिया और अल्लाह ताला ने इसको ओन किया है सूरह बनी इसराइल में कि हमने तुम पे अपने बंदों में से ऐसे बंदों को मुसलत किया जो तुम्हारे घरों में घुसे जैसे पहली दफे घुसे थे और तुम्हारी मस्जिदों में यानी उस तबाही को अल्लाह तला ने ओन किया कि हमने तुम्हारे साथ ये किया और अल्लाह तला ने इन पे हराम कर दिया कि अब ये जब निकाले गए हैं यरूशलम से दोबारा इसमें वापस नहीं आ सकते और दिलचस्प हकीकत यह है कि दो हजार साल ये वापस गए भी नहीं जा भी नहीं सके पहले रोमस के पास रहा उसके बाद मुसलमानों के पास आया सैयदना फारूक तुम के जमाने में और फिर कुछ अरसा ईसाइयों के पास रहा स्लीमी जंगों के दौर में फिर मुसलमानों के पास आया और बिल आखिर ये नहीं जा सके इस सारे दौरानिये में ये यरूशलेम नहीं जा सके दो हजार साल तक होते होते ये पूरी दुनिया में बिखर गए मारने पड़ती थी जगह जगह यूरोप में तो इन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था ईसाई इनके अजली दुश्मन थे और हैं यह भी एक बात इंटरेस्टिंग है कि ईसाई इनके दोस्त नहीं थे कभी भी वो तो इनके अजली दुश्मन थे रोमन ने क्यों इन्हें इनका दाखला बांध किया हुआ था वो ईसाई रियासत थी ना ऑर्थोडॉक्स एम्पायर थी रोमन उसके बाद यूरोप में जब ये थे स्पेन से इन्हें क्यों निकाला फर्डीनैंड और एजावेला ने जब सकूत हुआ स्पेन का तो मुसलमानों के साथ ना। कुछ आ गया, को इस्लामी ममालिक जाके सेटल हो गए इनके लिए कोई जाए बना नहीं थी टर्की ने इन्हें अकोमोडेट तुर्की आप उसको कहते हैं तुर्किया ने इन्हें अकोमोडेट किया और बाकी ये यूरोप में जाके जगह जगह आबाद हुए और वहां पे इनका जो हाल हुआ क्योंकि ईसाई तो इनके दुश्मन थे तो फिर क्या हुआ कि अचानक से कुछ लोग जिसको कहते हैं शहूद पे आए तारीख के सफ़े पे नमदार हुए ईसाइयों में से यहूदियों में से और उन्हें कहा कि नहीं इनको वापस आना चाहिए एक मूवमेंट शुरू हुई दुनिया में और उसमें ईसाई बड़े रहनुमा वो शामिल थे और उनके पेट में इनके लिए हमदर्दी जागी और यरूशलेम उन्हें लेके मुसलमानों से ईसाइयों ने इन्हें दे दिया खुद से नहीं आ सके यानी 2000 साल भी ये खुद से नहीं आ सके क्योंकि इन पे हराम था कि ये वापस नहीं आ सकते वह हराम उन अलिकियाति अहलकनाह अन्नहुम ला यरजुउन और अगली जो आयत है कि यहां तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाए और वह हर बुलंदी से फिसलते हुए यानी वो पूरी दुनिया पर गलबा हासिल कर लें और ठीक जब यरूशलम फतह हुआ मुसलमानों के हाथ से छीना, अंग्रेजों ने फतह किया तो उस वक्त ये जो यूरोपीय अकवाम है क्या ये पूरी दुनिया पे गालिब नहीं आ चुकी थी पूरी दुनिया में इनका गलबा था और इन्होंने यूशलम छीन के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनके हवाले कर दिया तो गोया के याजूज व माजूज इनके पुष्ट पना हैं इनके स्पोर्टर हैं पहला वो था ना दुलकर नईम लेकिन दूसरी दफ़े अच्छा वो तो था नेक और मुतफ़ी लेकिन फिर इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की इन्होंने कहा हमें तकवा की जरूरत नहीं है हमें दीन की ज़रूरत नहीं है हमें महज अपनी उस सल्तनत को बहाल करना है और हमें दुनिया पर रूल करना है अखलाकियात की हमें कोई ज़रूरत नहीं और उसके लिए फिर इन्होंने आ, हर जायज और नाजायज जैसे आज की जो इसराइल रियासत है वो को मजहबी या कोई दीनी रियासत तो नहीं है और उनका ये आ, क्लेम और उनका ये इरादा कि हमने पूरी दुनिया पे आ, रूल करना है तो वो भी सूदी मैशत के जरिए जकड़ के प्लान यही है ना यानी माशी लिहाज से कौमों को पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना है वरना तो वो कर नहीं सकते याजूज़ व माजूज की तादाद कितनी है और ये दजाल के लिए जो उन्होंने इतनी ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी है गोया के दोनों का आपस में त हालुफ है तो ये एक ट्रायका बनती है इबलीस और उसका सबसे मास्टर पीस जो है शाहकार वो दजाल है और एक ऐसी कौम इंसानों में से जिसमें ये सलाहियत थी कि वो जमीन में फसाद बर्पा कर सकते थे उन्हें भी साथ मिलाया गया आपके जिन में ये सवाल पैदा होता है कि याजूज व माजूज कौन है हाँ? कहा है ये भी सवाल पैदा होता है कब जो इनका खरूज होगा कब निकलेंगे क्या कैफियत होगी नबिक मुताद अदिश इस मौजु पे लेकिन जो सबसे अहम तरीन हदीस है बुखारी और मुस्लिम की नबी के ससम नींद से बेदार हुए आपने सुन रखी होगी पहले और हजूर सम ने सैदा जैन बिन से जहाश अभी उनका जिक्र हुआ उमोमिन में से उनके घर में थे उनके हुजरे में थे और चेहरा अनवर पर इंतहाई परेशानी के आसार थे और फरमाया वही अरब अरब के लिए हलाकत है तबाही है मिन शर कद तरफ उस से जो करीब आ चुका है फतेहल यौम रदन याजूज व माजूज भी मिसली हाजा आज के दिन याजूज और माजूज की दीवार इतनी खुल गई है इसका मतलब इनकी रहाई वहां से शुरू हो गई ये रिलीज होना शुरू हो गए और इन्होंने अरब अच्छा ये रिलीज होके मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी हम आज की दुनिया की हकीकत नहीं समझ सकते सबसे बड़े जो मेन कैरेक्टर है इस वक्त दुनिया में दुनिया को फसाद से भरने में यहूदी तो है ही है लेकिन उनके साथ जिनमें ये अब देखिए ना कुरानी हकीम उनकी सिर्फ ये बयान करता है कि वो मुफ्द वो जमीन में फसाद फैलाते हैं पूरी जमीन में और आप देखिए कोई शोभा ऐसा जिंदगी का नहीं है जिसमें फसाद ना हो फसाद का मतलब सिर्फ जंग करना या गत वारत करना नहीं बल्कि किसी चीज को भी मैशत में फसाद हो सकते करप्शन क्रुप, आप आम कर दें तो सूदी मीशत क्या है ये जो मार्केटिंग ट्रैक्टिस हैं ये क्या है और सेहत के नाम पर तो के नाम पर केमिकल पिलाया जा रहा है ये क्या है और बेशमार इसकी मिसालें हैं तो वहाँ से रिलीज हुए अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में और आहिस्ा आहिस्ा जाके ये वहाँ पे जम हुए और इन्होने चूंकि फसाद तो कर सकते थे बासलाहियत थे और जब येज पे पहुंच गए दुनिया सारी पे इन्होंने अपना गलबा हासिल कर लिया तो फिर ये इनको वापस लाए जो कि उनकी आप कह लें कि ड्यूटी थी जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया कि ये तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक के याजू माजू न खुल जाए और वह हर बुलंदी से फिसलते सवाल यह है कि क्यों वापस लाए कुरान सुरतलमाइदा में अच्छा पहले तो ये समझिए कि इनकी तादाद हादीस में आया है कि बहुत ज्यादा होगी बाज रिवायत जो है वो जाइफ हैं, फेब्रिकेटेड हैं। और बाज़ रिवायत जो है वो सही हैं, वसनत हैं जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम है एक हादीसी मबारक में नबी की फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आदम अपनी जरूरत में से जहनुम के लिए निकालो तो अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि अल्लाह कितने तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हर हजार में से नौ सौ निन निननन। ने इरशाद फरमाया कि ये वो दिन होगा कि जब हामिला अपना हमल गिरा देंगी और दूध पिलाने वालियाँ अपनी औलाद को भूल जाएंगी और इंसान नशे में होंगे लेकिन वो नशे में नहीं होंगे यानी इतनी इतनी परेशान हर शख्स को ये फिक्र लाख हो जाएगी ना कि मेरा क्या बनेगा मुसलमानों को भी और साहब इक्राम को सुन के ये फिक्र लाक होगी नबी ख्याल से उन में से हजार याजूज व माजूज में से होंगे और एक तुम में से होगा यानी इतनी बड़ी तादाद है इनकी कि जहान में जाने वालों की सबसे बड़ी तादाद इनकी होगी तो जब हम ये कहते हैं कि वो कबाइल थे और जाके यूरोपीय अखवाम में मर्ज हो गए तो इससे तो ये महसूस होता है कि वो थोड़े लोग थे और हकीकत भी यही है एक दर्रे में अरबों की करोड़ों की तादाद में इंसान नहीं रह सकते ठीक है ना पहाड़ के दर्रे में हजारों हो सकते हैं लाखों नहीं हो सकते करोड़ों तो बाईद क्यास है तो ये जाके मर्ज हुए जिन लोगों ने इनका दीन इनका निज़ाम अपना लिया वो इनके साथी हैं हैं नस्लन कोई हो मजहबन कोई हो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से है तो जो इस फसादा तहजीब को द तहजीब को अपना लेगा वो हुक्मन उन्हीं में शामिल होगा खो किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखता है इसकी एक दलील हम पुराने हकीम की सरा मायदा की आयत से लेते हैं जिसमें अल्लाह फरमाते हैं औलिया ए ईमान वालो मत बनाओ यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त इतनी सादा नहीं है बात ऐ ईमान वालो मत बनाओ यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त बाजिया उबाद इनके बाद इनके बाद के दोस्त हैं सारे एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं वो तो जाहिर है ईसाई जो है वो मैंने अर्ज किया ना वो तो अजल से दुश्मन है इनके हा कोई हो कैथोलिक हो ऑर्थोडॉक्स हो, हो अजल से दुश्मन है अब जाके दोस्ती हो गई कुरान अजली हकीकत है ना तो कुरान ने पहले बताया कि इनके बाद इनके बाद अभी सारे ईसाई इनके दोस्त नहीं है तो जो एक दूसरे के दोस्त हैं उनको तुम अपना दोस्त नहीं बना सकते वो तुम्हारे दुश्मन है क्योंकि उनका जो इतफाक है वो इसी बात पे है क्यों इकट्ठे हुए सवाल ये है या जो, जो वो माजुज हों यूरोपीय अकवाम हों वो ईसाई कौमें थी पहले और ये यहूदी हों इनका आपस में अलायंस हुआ क्यों है एक गैर फितरी इतिहाद क्यों वजूद में आया है एजेंडा क्या है, सबसे है। ये सबसे अहम सवाल है एजेंडा यह है कि इस्लाम को नीजो नाबूद करना है दुनिया से खत्म करना एजेंडा ये है इन तीनों का शैतान का भी यही है यहूदियों को तो वो खत्म कर चुका ना वो तो अल्लाह ताला की मकबूब क़ौम बन गए अल्लाह के गल का शिकार हो चुके और अब ईसाईयों हैं वो तो गुमराह हो चुके हो चुके ना तस्वीर का अकीदा उनका सदियों पहले बन चुका इस्लाम के आने से पहले तस्वीर और शिरक में वो मुबतला हो चुके थे तो अब रहता कौन है इस्लाम तो इस्लाम को खत्म करना ये इनका एजेंडा है इसलिए फरमाया कि तुम जो एक दूसरे के दोस्त हैं उनको तुम अपना दोस्त मत बनाओ और आगे फरमाया तुम में से जो कोई अपना दोस्त बनाएगा बेशिमों को हिदायत नहीं देते यानी कहने को वो मुसलमान होगा मुसलमान मुल्क हो सकता है वो ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है सिर्फ हिदायत बल्कि रियासतों के लिए मुसलमान ममालिक के लिए कि जो रियासतें एक ये जो अलायंस है जुडे क्रिश्चियन ईसाई और यहूदी गढ़ जोड़ है नेटो एक उसका है अमेरिका एक उसका उन्वान है यूरोप आप उसका एक उन्वान कर सकते हैं तो इन सब में से जो कोई भी इनके साथ अपना ताल्लुक बनाएगा और पाकिस्तान इसीलिए सत्तर साल हो गए हैं मिन जुमला और चीजों के, के हमने इस्लाम से की बेवफाई की अल्लाह के दिन को अमला नाफज नहीं किया और उसकी उसकी भी तो वजह यही है ना कि हम अमरीका के अमरीका के क्या कहूँ मैं गुलाम बन गए यानी पहले दिन ही जाके हमने उनकी बैत कर ली हमारे पहले वजीर अजम ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब ने पहले दिन ही जाके अमरीका की जो है वो बैत कर ली और वो कब इस्लाम लाने आने देगा यहाँ पे और पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन नीचे गया किस वजह से कि हम अल्लाह के दुश्मनों के साथी बन गए दोस्त बन गए इसलिए फरमाया कि जो कोई तुम में से उन्हें अपना दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से होगा कहने को भले उसका नाम कोई हो इसलिए तुर्की भी नेटो का मेंबर मुल्क है और हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए हम उसको आलम इस्लाम के उभरते हुए कायद के तौर पे देखते हैं और हम उसे आलम इस्लाम के एक हीरो के तौर पे जानते हैं लेकिन हमें उसके लिए ये दुआ करनी चाहिए कि वो इस चुंगल से निकले अगर वो सही मानों में इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अगर सही मानों में इस्लामी मुल्क है तो इसको भी अमेरिका का साथ छोड़ के उन लोगों का हमें किसी साथ की जरूरत होती है दुनिया में रहना है ना ब्लॉक्स बनते हैं तो ये तो अजल से चला आ रहा है नबी यकीन सलम के जमाना मुबारक में दो बड़ी ताकतें थी पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर और जब रोमन एम्पायर जो है वो थोड़ा शिकार तो उसको जोज हुई तो कुरान हकीम ने कमेंट नहीं किया उस पे सूरह रूम में पॉजिटिवली डिस्कस किया ना तो क्या تعلق था वो भी तो मुशरिक थे ना उस वक्त ईसाई रियासत थी ईसाई सल्तनत थी तो मुशरिक थे लेकिन कुरान हकीम ने बावजूद इसके के मुशरिक हैं तस्लीस के कायल हैं और कुरान ये कहता है कि ये इससे तो बेहतर है कि जमीन फट जाए और आसमान शक् हो जाए जो ये कलमा मुंह से निकालते हैं इतना बड़ा जुर्म है इसके बावजूद ने उसको पॉजिटिवली डिस्कस किया और कि वो दिन जब ये दोबारा गाली आएंगे मुसलमानों के लिए खुशी का दिन होगा तो हम किसी ना किसी ग्रुप के साथ तो ब्लॉक के साथ जाएंगे लेकिन हमें इस ब्लॉक के साथ नहीं जाना जो यहूदियों का खैरफा है और दाल जो है वोहिर उन्ही का नुमाइंदा है जिसका हमने इनकार करना है और अगर हम इनका इकरार कर लें तो फिर हम दाल का इनकार नहीं कर सकेंगे बाखर